एक अवार्ड शो में नेपोटिज्म के सपोर्ट में नारे लगाकर करण जौहर, सैफ अली खान और वरुण धवन ने मोल ली अपने लिए नई मुसीबत। करण, वरुण और सैफ को ट्विटर पर जमकर किया गया ट्रोल। नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन तीनों को झेलना पड़ा फैंस का विरोध। क्या खुल गई है नेपोटिज्म पर बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड की पोल? रिसेंटली एक अवार्ड शो पर करण जौहर, सैफ अली खान और वरुण धवन ने कंगना रनौत को टारगेट करते हुए जमकर नेपोटिज्म यानी बॉलीवुड में भाई भतीजावाद की बात को सपोर्ट किया। यहाँ तक कि इन तीनों ने नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हुए स्टेज पर पूरी दुनिया के सामने जमकर नारे भी लगाए। इन तीनों ने ऐसा करके बॉलीवुड पर पहले से ही लग रहे नेपोटिज्म के इल्जाम को और भी हवा दे दी। इसके बाद इस पूरी कंट्रोवर्सी में नया मोड़ आ गया जब सोशल मीडिया पर इन तीनों को जमकर ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने केजो, सैफ और वरुण की इस हरकत को डिसअपॉइंटिंग करार दिया है। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी और एआईबी मेंबर तन्मय भट्ट ने भी इन तीनों पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। अभिषेक सिंघवी ने लिखा, आई'd लाइक टू सी द लाइक्स ऑफ करण जौहर, सैफ एंड वरुण धवन ट्राई देयर नेपोटिज्म ह्यूमर व्हेन कंगना इज इन देयर प्रेजेंस। तन्मय भट्ट ने ट्वीट कर लिखा, आई जस्ट रियलाइज्ड दे लेजिट येल्ड नेपोटिज्म रॉक्स एट द एंड ऑफ इट एंड आई कैन नॉट स्टॉप फेस पामिंग। इसके अलावा भी कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इन तीनों को निशाना बनाते हुए लिखा स्ट्रॉन्ग ट्वीट्स। इसके पहले करण के शो में जब कंगना ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म फैलाने का आरोप लगाया था तब करण ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अब केजो, सैफ और वरुण की इस हरकत से साफ पता चलता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म अच्छे से फल फूल रहा है और इस बात को लेकर बॉलीवुड में इन तीनों की ही तरह डबल स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। फॉर ऑल द गरमागरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द जूम ऐप नाउ।